आपका हिंदी विषय की क्लास में स्वागत है। कल हमने आरोह पुस्तक के पद्य भाग के प्रथम पाठ हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय और उनके पाठ में दिए गए कविताओं के केंद्रीय भाव को हमने जाना और समझा था। उनका जीवन परिचय कि वो एक कायस्थ परिवार से थे और उन्होंने अपने जीवन में निरंतर हिंदी साहित्य की रचना की, साहित्यिक कार्यक्रमों से वो जुड़े रहे, लेकिन मुख्यतः वो फारसी कवि उमर खय्याम से प्रेरित थे और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने जो दर्शन लिखा वो हालावादी दर्शन के नाम से प्रसिद्ध। प्रस्तुत पाठ में उनकी दो कविताएं प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें पहली कविता है आत्मपरिचय, जो उनके जीवन से संबंधित है और उन्होंने अपने जीवन से संबंधित विचारों, घटनाओं, जीवन में आने वाले सुख दुख सभी का चित्रण किया है। और कवि का मानना है कि इस संसार में रहकर हम संसार से अलग नहीं हो सकते, हम इस संसार में रहकर संसार से प्रेम और कलह दोनों ही प्रकार के संबंध बने रहते हैं, साथ ही साथ संसार में रहकर वो कह रहे हैं कि हमारे बीच कितने ही द्वंद्व क्यों ना हो लेकिन उससे अलग नहीं रहा जा सकता। प्रस्तुत कविता आत्म परिचय में भी कवि ने इन्हीं जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया है और हम हरिवंश राय बच्चन की इस कविता के आज प्रथम तीन पदों का अर्थ जानेंगे और समझेंगे। प्रस्तुत कविता आत्म परिचय उन्होंने रुबाई नामक छंद में लिखी है और इस ये छंद फारसी भाषा से लिया गया है। इस छंद की विशेषता होती है कि इसकी पद की चार पंक्तियों के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति के अंतिम शब्द मिलते हैं और तृतीय पंक्ति का अंतिम शब्द अलग होता है। ये फारसी भाषा का छंद है और इस छंद में उन्होंने अपने आत्म परिचय, अपने जीवन की घटनाओं का चित्रण किया है। हम आज इनके प्रथम तीन पदों का अर्थ जानेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं, हम पहले इनके पदों के शब्दों के अर्थ लिख ले। जग माने संसार, भार का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बोझ, लेकिन यहाँ मनुष्य जीवन से संबंध होता है सांसारिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य। झंकृत शब्द का अर्थ होता है बजाना, छूकर यानी स्पर्श करके, सांसों यानी सांस कहते हैं जीवन को और तार कहते हैं, दो तार कहते हैं ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों से बनते हैं। वाद्य यंत्र यानी वोकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जिनमें वीणा है, सितार है, वायलिन है, ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो तारों से बजाए जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने, कवि ने उसी वाद्य यंत्र का चित्रण किया है। कवि कहते हैं, मैं शब्द कवि ने अपने स्वयं के लिए ही संबोधित किया है और वो कहते हैं कि मेरे इस जीवन, सांसारिक जीवन में अनेक कर्तव्य हैं, अनेक उत्तरदायित्व हैं। मैं अपने सांसारिक जीवन में
उन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का भार उठाता हूँ या उत्तरदायित्वों को निभाता हूँ। मेरे जीवन में कर्तव्यों उत्तरदायित्वों की विवशता है, लेकिन फिर भी मैं अपने इस जीवन में सभी के लिए प्रेम और स्नेह की भावना रखता मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता कि मैं अपने सांसारिक जीवन में अनेक कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता हूँ, लेकिन फिर भी संसार के लोगों से मैं प्रेम रखता हूँ, स्नेह रखता हूँ, सभी के प्रति मेरे मन में प्रेम की भावना विद्यमान है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता। किसी ने, यहाँ उन्होंने अपने जीवन में अपने प्रिय के आगमन को स्वीकार किया है, उन्होंने उसका नाम नहीं दिया है। झंकृत का अर्थ मैंने आपको पहले ही कहा था बजाना, छूकर का अर्थ होता है स्पर्श करके। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं का स्पर्श किया और स्पर्श करके उसे झंकृत कर दिया। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कि मेरे जीवन में प्रिय का आगमन हुआ, प्रियतम का आगमन हुआ और प्रियतम ने मेरे हृदय की कोमल जो भावनाएं हैं उसका स्पर्श करके उसे झंकृत कर दिया और इसीलिए मैं सांसों के दो तार लिए जीवन में फिरता हूँ। अर्थात जिस प्रकार दो तारों से युक्त वाद्य यंत्र मधुर स्वर बिखेरते हैं, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रिय के आगमन से मधुर हो गया है, सुखद हो गया है या जीवन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। कवि ने पहले पद में ये स्पष्ट किया है कि मैं अपने सांसारिक जीवन में अनेक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में संसार के लोगों से प्रेम की भावना रखता हूँ। मेरे जीवन में प्रिय का आगमन एक सुखद स्मृति है, सुखद याद है और उस प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं का स्पर्श करके जागृत कर दिया है और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात जिस प्रकार दो तारों से युक्त वाद्य यंत्र मधुर स्वर बिखेरते हैं और वो मधुर स्वर जीवन को आनंदित करते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी आनंद व्याप्त हो गया है, मेरे जीवन में भी प्रसन्नता और खुशियां विद्यमान हो गई। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता, सुरा मदिरा शराब, स्नेह मतलब प्रेम, कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। अर्थात अपनी मस्ती, अपने आनंद में डूबा रहता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता। जब आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपने जो पाठ की प्रथम पंक्ति देखी, प्रथम पंक्ति में वो कह रहे हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता और इस पंक्ति में कह रहे हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता। तो दोनों विरोधी बातें यहाँ स्पष्ट हो रही और कवि का मानना है कि वो उत्तरदायित्वों को तो निभाते हैं लेकिन संसार के लोग क्या कहते हैं उन बातों की तरफ वो ध्यान नहीं दे। दो विरोधी बातें होते हुए भी यहाँ भावार्थ में उनका संसार के प्रति एक समर्पण है, संसार के लोगों के प्रति समर्पण है और कवि का मानना है कि संसार में जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कुछ उसे अच्छा मानते हैं, कुछ उसकी बुराई करते हैं। तो कवि
ऐसे लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता, मैं तो स्नेह रूपी प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ और उस मदिरा को पीकर मस्त रहता हूँ। मैं संसार के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता, अर्थात संसार के लोग मेरे बारे में जो भी राय रखते हैं, मैं उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि संसार के सुख की कामना करता हूँ। संसार के लोगों के प्रति मैं समर्पित है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। पूछना यानी महत्व देना। जग का अर्थ संसार, संसार के लोग, संसार के लोग यानी संसार में रहने वाले लोग। जग पूछ रहा कि संसार के लोग उसी को महत्व देते, उसी को पूछते हैं जो जग की गाते, यानी दूसरों की प्रशंसा के लिए गीत गाते। सामान्य भाषा में कहें कि जो लोग स्वार्थी मतलबी अपने मतलब का कार्य हो उन्हीं की बात सुनते हैं, उनके बारे में ही जानकारी रखते हैं, तो वो उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि संसार उन्हीं लोगों को पूछता है, उन्हीं लोगों को महत्व देता है जो संसार के लोगों की प्रशंसा के गीत गाते, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, लोग उन्हीं को ही महत्व देते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन कवि का मानना है कि मैं दूसरों के लिए गीत नहीं लिखता, मैं अपने मन की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए गीत लिखता हूँ और अपने मन की भावनाओं को ही संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। मैं दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की भावनाओं को महत्व देने के लिए कोई कार्य नहीं करता, मैं केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए गीत लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ या साहित्य लिखता हूँ, दूसरों के लिए कार्य नहीं। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, पीता हूँ, अर्थात अपने जीवन में मस्त रहता हूँ, आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं संसार के लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि लोग अच्छा भी सराहना भी करते हैं और उसकी बुराई भी करते हैं, तो बुराई करने वाले लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। संसार के लोग उसी को महत्व देते हैं जो दूसरों की प्रशंसा में गीत गाते हैं। मैं दूसरों की प्रशंसा के लिए गीत नहीं लिखता, मैं केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए ही रचनाएं लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ या कविता लिखता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता। निज माने अपने, उर का अर्थ होता है हृदय, उद्गार का अर्थ होता है विचार, हमारे हृदय से निकलने वाले भाव। निज अपना और हृदय, उपहार का अर्थ होता है भेंट, हम किसी को कोई उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, उसके संदर्भ में कवि ने यहाँ स्पष्ट किया। अपूर्ण अधूरा भाता अच्छा नहीं लगता, स्वप्नों का कल्पनाओं का संसार बनाता हूँ या संसार का निर्माण करता। कवि कहते हैं कि मेरे गीतों में, मेरी रचनाओं में या मेरी कविता में मेरे हृदय के भाव ही प्रकट होते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ कि मेरी जो रचनाएं हैं, मेरे जो गीत हैं, मेरी जो कविताएं हैं, उन कविताओं में मैं अपने हृदय से निकले हुए भावों को ही प्रकट करता हूँ। और मेरे हृदय से निकले हुए ये भाव संसार के लोगों के लिए मेरी तरफ से भेंट है, उपहार है, क्योंकि मेरी रचनाएं लोक कल्याण की भावना से लिखी गई। कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय से जो भाव निकलते हैं
उन्हीं भावों को मैं अपनी रचनाओं में लिखता हूँ, अपनी कविताओं में स्पष्ट करता हूँ, और मेरे हृदय के ये भाव, मेरे हृदय के ये विचार संसार के लोगों की भलाई और हित की भावना से लिखे जाते हैं, लोक कल्याण की भावना से लिखे जाते हैं, इसलिए ये संसार के लोगों के लिए उपहार के समान है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि का मानना है कि ये संसार अपूर्ण है, अधूरा। अधूरा होने का कारण है कि यहाँ प्रेम का जीवन में अभाव है, और प्रेम का अभाव जब इस संसार में देखने को मिलता है तो कवि को ये संसार अच्छा नहीं लगता। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं कल्पनाओं का, सपनों का एक ऐसा संसार बनाता हूँ प्रतिदिन अपनी रचनाओं में, जो लोगों को आनंद देता है, मुझे वो पूर्ण लगता है और मेरे जीवन में प्रसन्नता व्याप्त करता है। कवि कहते हैं कि मेरे जो रचनाएं हैं, मेरी जो कविताएं हैं, वो मेरे हृदय से निकले हुए विचार, मेरे हृदय के ये विचार इस संसार के लोगों के लिए उपहार के समान है, उनके लिए मेरी ओर से भेंट है, क्योंकि मेरी रचनाएं लोक कल्याण की भावना से लिखी गई। ये संसार अधूरा है। अधूरा दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रेम का तो अभाव है ही, लेकिन हमारे समाज अनेक विषमताओं से भरा हुआ है, समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान है, इस कारण कवि को ये संसार अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कल्पनाओं का संसार बनाते हैं, क्योंकि कल्पनाएं सुंदर, आनंद देने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली होती हैं, इसलिए वो कल्पनाओं के संसार में एक ऐसे संसार का निर्माण करता है जो जीवन को आनंद प्रदान करता है, जीवन को प्रसन्नता देता है। आज हमने आत्म परिचय कविता के ये तीन पद का अध्ययन किया। आप इनको पढ़ें और इनका अर्थ जो है वो अपनी होमवर्क की कॉपी में करें। धन्यवाद।